आपके तो वारे न्यारे होने आज के इस वीडियो में। ये सितंबर का महीना पूरा का पूरा तख्ता पलट कर देगा, ये शत प्रतिशत है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी एक भद्र नाम राजयोग बनाएंगे। गुरुदेव हंस राजयोग बना करके बैठे हैं और साथ में शनि महाराज स्वयं रही हैं। और इतना ही नहीं मित्रों, सूर्यदेव भी सिंह राशि में पहले 16 दिनों तक हैं। बहुत 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 सुंदर योग आपके लिए मिथुन राशि वालों इस महीने बन रहा है। आप राज भोगेंगे, ना चाहते हुए भी राज भोगोगे, आपके ग्रह आपसे भोगवाएंगे। इसलिए मैं आपको शत प्रतिशत कह देना चाहता हूं कि आपका कार्य बनेगा, कार्य बनेगा, कार्य सिद्ध होगा, ये कन्फर्म है, लिख लीजिए। यही तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसे वक्ता आपके लिए रहें YouTube पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जो आपको आगाह कर सकें कि इस महीने में ये सावधानियां बरतनी है, इस महीने में इन बातों का ध्यान रखना है। मित्रों काम तो बनते हैं, बस ये है कि समझने वाली बात है, बस जो समझ गया तो समझ लो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज का यह राशिफल बहुत बेहतरीन रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। जितने भी जातक मुझे अभी मिथुन राशि के सुन रहे हैं, आप वीडियो को पूरा सुनना, अंत तक सुनना, आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। सबसे पहले ग्रह गति से अवगत हो लीजिए। ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है, ग्रहों पर आधारित विज्ञान है। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, ईश का मतलब होता है स्वामी, और जब ये दोनों शब्द मिले तो बना ज्योतिष, और प्रकाश के स्वामी हैं सूर्यदेव। सूर्य के प्रकाश से ये संसार प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, सूर्य के प्रकाश से गर्भ धारण होता है, सूर्य के प्रकाश से शरीर में आत्मा का वास होता है, सूर्य के प्रकाश से ये आत्मा शरीर में अपना रूप व आकार लेती है, सूर्य के प्रकाश से हमें आंखें मिलती हैं, हार्ट मिलता है, हड्डियां मिलती हैं, पेट मिलता है। इसलिए सूर्य का प्रकाश अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी मिथुन राशि के जातक मुझे अभी सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले ग्रह स्थिति से अवगत हो जाइए। दिनांक 17 सितंबर सुबह 7 बजे सूर्यदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे, आपके मित्र की राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह वृषभ राशि में पूरे महीने रहेंगे। बुध ग्रह दिनांक 10 सितंबर को कन्या राशि में वक्र चाल में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने वक्री रहेंगे। और शुक्र महाराज दिनांक 24 सितंबर रात को 9 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और उसके बाद कन्या राशि में चले जाएंगे। इनका कन्या में जाना एक नीच वंग राजयोग बनेगा। इसके क्या फल होंगे ये तो मैं अभी आपको वीडियो में बता ही दूंगा। आइए शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम बात करते हैं आपके मान सम्मान की। इस स्थान की जिम्मेदारी आ जाती है आपकी राशि के अनुसार बुध ग्रह के पास, और बुध देव पूरे महीने, जी हाँ पूरे महीने आपको जबरदस्त मान सम्मान देंगे और कई गुना अधिक रफ्तार से आपका कार्य सिद्ध होगा। ये आप समझ लीजिए कन्फर्म होकर के, काम होना ही होना है, मान सम्मान मिलना ही मिलना है, खोया हुआ भी सम्मान मिलेगा, लोग स्वतः आपकी ओर वापस आकर्षित होंगे। बहुत बेहतरीन फल मिथुन राशि के जातकों के लिए रहना है। बात करें धन की तो धन की भी कमी नहीं होने देंगे ग्रह आपको। देवगुरु बृहस्पति की वक्री गुरु की दृष्टि पंचम धन के घर पर रहेगी, वह भी उच्च की कर्क राशि के ऊपर। पैसा भी आएगा, परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा और जबरदस्त वाला सपोर्ट मिलेगा। राज करोगे, तख्ता पलट होगा, निश्चित तौर पर होगा, ये मेरी बात को समझ लीजिए। बहुत 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 बेहतरीन ग्रह गोचर आपके लिए बन रहा है। आपको एजुकेशन में सफलता मिलेगी, कोई अगर आपका रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए। मित्रों एक चीज का बात और आपसे करना चाहता हूं कि छोटे भाई बहन मित्र सगे संबंधी इस घर में सूर्यदेव रहेंगे पहले 16 दिनों तक, आपका प्रभाव पड़ेगा अपने से छोटे लोगों के ऊपर, और जैसे ही ये सूर्य का गोचर हो जाएगा तो वो लोग आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। इसलिए पहले 17 दिन तो ठीक है, उसके बाद थोड़ा ध्यान रखना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव पर चले जाएंगे। इस घर में इनका जाना
आपके लिए थोड़ा सा चिंता वाला रहेगा, परंतु यहां पर सूर्य कमजोर नहीं होंगे क्योंकि अपने मित्र कन्या राशि में जा रहे हैं, सुख साधन के घर में जा रहे हैं, तो सुख साधनों को बढ़ाने का कार्य कर देंगे। अब सुख साधन की बात करनी है, इसी घर में भद्र राजयोग बनेगा, इसी घर में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, और इसी घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी चल रही है, वो भी वक्री चल रही है, और वो भी प्रॉपर्टी के घर में चल रही है, और वो भी कर्म भाव में कैरियर के घर में बैठ करके चल रही है। इसका मतलब सरकारी नौकरी, नौकरी में प्रमोशन, प्रमोशन इत्यादि का योग, कार्य सिद्धि, नेतृत्व क्षमता, आजीविका के साधन बढ़ना, और जल्दी में रिजल्ट मिलना, जो भी होगा जल्दी होगा, 17 तारीख के बाद से तो बिल्कुल किस्मत एकदम दौड़ेगी, जबरदस्त तरीके से ऐसा योग बनेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा योग है, मेहनत कर लीजिए। अब अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में भी आप पद ले जाएंगे, ऐसा भी आपकी कुंडली कहती है, और बहुत पावरफुल स्थिति में कह रही है। इसलिए जितने भी जातक मुझे इस समय कन्या राशि के सुन रहे हैं, कन्या वालों, आपके वारे न्यारे होने हैं और ये तय है। अब आपसे बात करना चाहूँगा आपके अक्षमात धन लाभ के योग की, आपकी नीति की, आपके बुद्धि की। तो बुद्धि का, नीति का स्वामी शुक्रदेव सूर्य से अंधा रहेगा, और ये अंधा रहेगा विशेष रूप से 16 तारीख तक। 16 तारीख के बाद सूर्य आगे बढ़ जाएंगे तो शुक्र अकेले रह जाएंगे, तो शेयर मार्केट से आपको 16 तारीख के बाद से लाभ मिलेगा। कोई बड़े और निर्णायक डिसीजन करने हैं तो 16 तारीख के बाद से किए जा सकते हैं, उस टाइम पर ग्रह चाल आपके लिए पॉजिटिव रहेगी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसी टाइम करना। इसके अलावा दिनांक 24 सितंबर से आपके माइंड के, बुद्धि, उन्नति के स्वामी शुक्रदेव नीच भंग राजयोग बनाएंगे, तो महीने के आखिरी के जो 7 दिन रहेंगे इसमें फिल्म लाइन से विशेष लाभ मिलेगा। फिल्म लाइन, ध्यान रखना जो मैंने शब्द प्रयोग किया है, ग्लैमर बढ़ेगा आपका, ख्याति आपकी बढ़ेगी, और घूमने फिरने की योजना बनेगी, और पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा, ऐसा ग्रह गोचर बनेगा। दोस्तों अब बात करना चाहूँगा रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, कर्जा। इस घर पर मंगल की सप्तम दृष्टि है, और वो भी स्वग्रही दृष्टि है, तो बचाएंगे पर उलझाते रहेंगे। कहने का ये मतलब है कि बेवजह लोग आपसे उलझने की कोशिश करेंगे, आपके माथे पे आकर के लगेंगे अननेसेसरी, आपको उनसे दूरी बनानी है, हाथ जोड़ लेने हैं कि भैया जाओ, मेरा कोई मतलब नहीं है। यदि बात करूं दाम्पत्य जीवन की, और विशेष रूप से ध्यान रखना जिनका ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम चल रही है, जिनको मांसपेशियों में दर्द रहता है, वो लोग ज़्यादा ध्यान रखना, और 24 सितंबर के बाद वो उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा जिनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है और पेट ज़्यादा खराब रहता है। बात करना चाहूँगा दाम्पत्य जीवन की, इस स्थान की जो जिम्मेदारी है वो है देवगुरु बृहस्पति के पास, किसी प्रकार के कोई दिक्कत पीड़ा नहीं दिखाई देती है, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, आनंददायक रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। भाग्य भी आपका अच्छा है, भाग्य को भी ऐसी कोई हानि कुंडली के अनुसार नहीं दिखाई पड़ती है, और कर्म भाव पे तो स्वयं भद्र राजयोग बनाई हुआ है, और ये राजयोग तो आपके वारे न्यारे करेगा ही। आप देखिए बुध वक्री हो जाएगा 10 सितंबर को, गुरु भी वक्री, दोनों एक वक्री होकर एक दूसरे को देखेंगे, तो ये महीना ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। अब सावधानी क्या बरतनी है, एक तो स्वास्थ्य में जो मैंने आपको बोला है पूरे महीने मंगल के द्वारा ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, 17 तारीख के बाद घनिष्ठ मित्रों से थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनसे दूरी बना के रखनी है, तीसरा विदेशों से संबंधित यदि काम करते हैं तो बहुत केयरफुली काम करिएगा, चौथा आपके केतु पंचम भाव पर बैठे हैं तो जो गर्भवती महिलाएं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, ये मैं आपको विशेष कहना चाहूँगा, और 24 सितंबर के बाद ज़्यादा क्योंकि इस स्थान के स्वामी नीच हो जाएंगे। दोस्तों मैं 23 और 24 अगस्त को कलकत्ता में उपस्थित रहूँगा, अगर आप कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, बॉम्बे में 27 से 31 तक रहूँगा, वहाँ भी मिल सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। महीने में आपके शहर में रहेंगे कलकत्ता 23 व 24 अगस्त, बेंगलोर 25 अगस्त, हैदराबाद 26 अगस्त, मुंबई में 27 से 31 अगस्त तक रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899884337011805461। नमस्कार, आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, ज्योतिष आचार्य मानविंदर रावत जी अब अगस्त महीने में आपके शहर में रहेंगे कलकत्ता 23 व